इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लग गए, इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 23 से 25 साल लग गए, इस देश में टेटनेस की दवाई को आने में 25 साल लग गए, इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। आज यही भारत दुनिया में दवाई बनाने में और एक्सपोर्ट में दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन गया, दूसरे नंबर का देश बन गया। आज ये दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया, सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। कोरोना की वैक्सीन, वैक्सीन मैत्री में भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में 9 महीने के अंदर एक नहीं दो दो वैक्सीन बनाई और 100 से ज्यादा देशों को अपनी वैक्सीन पहुंचाई और 48 देशों को मुफ्त वैक्सीन पहुंचाई, ये भी आप याद रखिएगा। ये बदलता भारत है। आज भारत मांगने वाला भारत नहीं है। जो ये कांग्रेसी नेता ये जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से लेकर, इंदिरा गांधी जी के टाइम से लेकर के, सोनिया गांधी जी के टाइम से लेकर के और ये राहुल बाबा के टाइम तक लेकर के ये मांगने वाला भारत था, आज मोदी जी के नेतृत्व में ये देने वाला भारत हो गया, दुनिया को देने वाला भारत हो गया, ये भी हमको समझ। आज हम पेट्रोकेमिकल्स में तीसरे नंबर पर खड़े हैं दुनिया में। कभी आप जापान की गाड़ियों के बारे में सुनते थे, आज भारत ऑटोमोबाइल में, गाड़ियों के मैन्युफैक्चर में दुनिया में तीसरे नंबर का बन गया है और हमने जापान को पछाड़ दिया मोदी जी के नेतृत्व में, ये भी आपको याद रखना है। आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में, आप सब लोग मोबाइल लेकर के घूम रहे हैं। 10 साल पहले इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया। आज अपना मोबाइल निकाल करके देखो, उस पर लिखा है मेड इन इंडिया।